5 अप्रैल की दोपहर अचलपुर परतवाड़ा रोड पर स्थित ट्रॉमा केयर और कुटीर अस्पताल के पड़ित परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वहां पड़े सूखे पत्तों में यह आग फैलते चली गई। आग ने वहां मौजूद पेड़ों सहित परिसर में भी लगना शुरू हो गई थी। वहां मौजूद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इस बात की खबर तुरंत अचलपुर नगर पालिका के अग्निशमन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही अचलपुर नगर पालिका का अग्निशमन दल मौके वारदात पर पहुंचा, जहां मौजूद लोगों और पालिका कर्मचारियों के अथक प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग जहां लगी उस परिसर में ही कोविड के 38 मरीजों का इलाज कुटीर अस्पताल में जारी है। कोविड के क्रिटिकल इलाज के लिए इसी परिसर में ट्रॉमा केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां पर ऑक्सीजन सुविधा के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए होने की जानकारी है। अगर फौरन इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो शायद किसी बड़े अनर्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आग पर काबू पाने के लिए नगर पालिका के संदेश जोगंदल, उद्धवपुरी, दीपक डोईफोड़े, अनंत चौरसिया, देवराव वानखड़े सहित आदिवासी पर्यावरण संघटना के योगेश खानजोड़े और संजय डोंगरे ने विशेष प्रयास किए। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज अचलपुर।